शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। वह इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी शहर से 6 महीने का गायब हुए बच्चे को झारखंड की गिरिडीह से बरामद किया गया है, जिसे 2 लाख रुपए में बेच दिया गया था। भिवंडी पुलिस ने 6 महीने के बच्चे को ढूंढने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस बच्चे के मामले में अफरोज अबू बकर शेख 26 साल, शंभू सोमाराम साहू 50 साल और एक महिला मंजू देवी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक भिवंडी के आज़ाद नगर में रहने वाली सहाना अंसारी 14/4/2023 को रमज़ान के महीने में ख़रीदी करने जा रही थी। इस दौरान इन्होंने अपने पड़ोसी के सहारे अपने 6 महीने के बच्चे को छोड़कर ये चली गई थी, मगर जब वापस आई तो पता लगा बच्चा गायब है, जिसके बाद शांति नगर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। 6 महीने के बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस ने 2 अलग-अलग टीमें बनाई थी और जाँच शुरू की गई। CCTV फुटेज और गुप्त जानकारी के आधार पर सबसे पहले पुलिस ने अफरोज अबू बकर शेख को गिरफ्तार किया। पूछताछ में बच्चे को 2 लाख रुपए में सौदा करने की बात सामने आई। उसके बाद पुलिस ने कल्याण रेलवे स्टेशन के पास से शंभू सोमाराम साहू को गिरफ्तार किया, जिसने बताया कि 2 लाख रुपए में बच्चे को झारखंड के नक्सली इलाके में बेचा गया है मंजू देवी नामक महिला से, जिसके बाद भिवंडी पुलिस झारखंड जाकर सही सलामत 6 महीने के बच्चे को बरामद कर लिया और वापस मुंबई लाकर बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया गया है। करीब 15 दिनों से 6 महीने का ये बच्चा अपनी मां से दूर रहा, मगर जब पुलिस ने बच्चे को मां को सौंपा तो मां के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। आपका बच्चा चोरी हो गया था, उसके बाद पुलिस ने बड़ी मशक्कत करके आपको बच्चे को सही सलामत आपके हाथ सौंपा है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये पुलिस वाले मतलब बहुत मेहनत की है, बहुत ये बच्चा आपसे कितना दिन दूर था? 16-17 दिन। पूरे मामले की जानकारी देंगे कैसे क्या हुआ था? हाँ बता सकते। बच्चा कैसे चोरी हो गया? मैं घर से निकली मार्केट करने के लिए, तो मैं सोची कि मतलब सहेली के घर मतलब फातिमा के घर उसको लटा दूँ और बाज़ार करके आऊँगी, तब उसको ले लूँगी। तब मतलब बाज़ार करके आई तो वहाँ पर देखा तो मेरा बच्चा नहीं था। मैं मतलब ढूंढने लगी, आजू बाजू वाले से भी पूछी, फातिमा से भी पूछी, तो वो बोली मुझे नहीं पता। तो मैं वहाँ से निकली, घबरा गई थी। फिर उसके बाद गई ऐलान करने के लिए, ऐलान में भी मतलब समझ में नहीं आया मुझे कि मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद ये शांति नगर पुलिस चौकी में गई, वहाँ पे मतलब बच्चे की मतलब रिपोर्ट मतलब दर्ज कराई। फिर उसके बाद पुलिस वाले ने हमारी मतलब बहुत मदद की, बहुत छानबीन की। मैं ना पुलिस वाले का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। जब बच्चा चोरी हुआ तो आपको किसी पे शक था? नहीं, शक तो नहीं था। मतलब बच्चा ये चोरी हो गया मतलब वो नहीं मालूम था। मतलब वहीं से मतलब फ़ोन लेके गए ये भी नहीं पता था। इसके लिए मतलब पुलिस वाले की मदद से मैंने मतलब बोली कि मतलब आप लोग मतलब हमारा बच्चा ढूंढ के निकाले, तो पुलिस वाले ने मतलब सब सर लोग भी बहुत मदद किए। मैं सब सर लोग का भी शुक्र तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बच्चा कहाँ पे था? मतलब आपका बच्चा कहाँ पे? झारखंड में। 14 तारीख को शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 6 महीने का बच्चे का अपहरण किया हुआ है, ऐसा मामला दर्ज हुआ था। उसी के तहत शांतिनगर पुलिस स्टेशन में 363 के तहत गुना दाखिल किया गया। उसी के बाद 2 तपास टीम हमने तैयार की थी। 6 महीने का बच्चा था, तो घटनास्थल पे जाके वो पूरा वहाँ के CCTV फुटेज और आजू बाजू के लोगों को विचार पूछ करने के बाद हमें पता चला एक संशयित जो एक सस्पेक्ट था
उनका नाम पता चला, जिनका नाम अफरोज शेख करके है, उनको कस्टडी में लेने के बाद उनको डिटेल इंट्रोगेशन किया गया और उसके बाद पता चला कि उन्होंने और दो लोगों के साथ मिलके वो जो छोटा 6 महीने का बच्चा है उनको झारखंड में जो नक्सल अफेक्टेड नक्सलग्रस्त एरिया है वहाँ का एक गांव है जितगुड़ी करके, वहाँ पे 2 लाख में बेचा है ऐसी जानकारी मिली। उसी के तहत हमने आगे जिनको उन्होंने बेचा था वो भी एक झारखंड का शंभू साहू करके है, उनको हमने कल्याण रेलवे स्टेशन से ताबे में लिया, उनको भी आगे उनको आगे की जानकारी और पूछताछ की तो उन्होंने बताया एक झारखंड की एक महिला है मंजू देवी साव करके, उनको उन्होंने वो जो बच्चा है वो 2 लाख रुपए में बेचा है। उसी के तहत हमने यहाँ से हमारी टीम झारखंड में भेजी और भेजने के बाद वहाँ से वो बच्चे को हमने कल सेफली यहाँ पर हम लेके आए हैं। तो अब तक इस गुने में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और इसमें हमारे सभी ACP सीनियर PI और जो DPE की जो टीम है PI क्राइम है मोहिते शैलेंद्र महात्रे, महेश चौधरी, अनिल सिरसा, त्रिविकरण पाटिल, मनाली फरडे, श्रीकांत पाटिल, किरण जाधव, नरसिंह सिरसागर, रविंद्र पाटिल और टेक्निकल विजय ताटे, ऐसे सभी ने अच्छी कामगिरी की है, इसलिए ये जो तपास पदक है उनको 15,000 रुपये का रिवार्ड मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ।